आपको दुनिया को अब बताना ही होगा कि मैं आपकी बीवी हूँ। ये कैसी जिद है इश्की? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सही समय आने पर मैं तुम्हें दुनिया के सामने मिसेस राजवीर सिंघानिया के तौर पर खुद इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं कुछ नहीं जानती, कम से कम ऑफिस में तो आपको मुझे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करना होगा। एक तरफ राजवीर इश्की के प्यार में पागल था और दूसरी ओर वो दुनिया से इस बात को भी छिपाकर रखना चाहता था कि इश्की उसकी बीवी है। पर अब इश्की दुनिया के सामने अपने रिश्ते को कबूल करना चाहती थी। क्या राजवीर करेगा इश्की की ये जिद पूरी, या इश्की की ये जिद उसे ले जाएगी राजवीर से दूर? इश्की और राजवीर अपने बेड पर लेटे हुए थे कि तभी राजवीर ने इश्की के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तो तुम फोन पर मुझे क्या कह रही थी कि तुम किसी और के पास चली जाओगी? वो मजाक कर रही थी। आज के बाद फिर कभी ऐसा मजाक भी मत करना, ये मजाक भी मुझे बर्दाश्त नहीं है, तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहने के बाद राजवीर इश्की को किस करने लगा। इश्की भी राजवीर के प्यार में खो गई। इश्की ने राजवीर की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही प्यार से एक सवाल किया, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं ना? दुनिया में सबसे ज्यादा। तो फिर आप ऑफिस में मुझे क्यों इग्नोर करते हैं? मैं तुम्हें बता चुका हूँ इश्की, वहाँ मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तुम बाकी इंटर्न्स की तरह ही हो। आखिर कब तक आप मुझे दुनिया के सामने इग्नोर करेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, आपको मुझसे ऑफिस में बात करनी ही होगी। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। इश्की की बातों का राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इश्की के फोरहेड पर किस किया और उसे सुला दिया। लेकिन अभी भी राजवीर के दिमाग में वो सब घूम रहा था। वो जानता था कि अगर इस बार इश्की को ऑफिस में इग्नोर किया तो वो नाराज हो जाएगी, और राजवीर सिंघानिया किसी भी कीमत पर इश्की को नाराज नहीं देख सकता था। अब राजवीर सिंघानिया अपने दिमाग में एक प्लान बना चुका था। अगली सुबह इश्की हड़बड़ा कर उठी। उसने देखा सुबह के 9 बज चुके हैं। वो हैरान थी कि रोज की तरह आज राजवीर ने उसे उठाया क्यों नहीं। उसने कमरे में चारों ओर देखा लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। इश्की को बिना कुछ कहे राजवीर कहीं चला गया था। ये राजवीर कहाँ चले गए? ऐसे बिना बताए कहीं जाते तो नहीं ये? ये सब छोड़, भाग इश्की, आज ऑफिस का पहला दिन है। इश्की जल्दी से रेडी होकर मिशा के रूम में आई और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी मिशा, आज आंख ही नहीं खुली और राजवीर ने भी मुझे नहीं उठाया, वो तो खुद पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भैया इतनी सुबह कहाँ जा सकते हैं? खैर ये सब छोड़ और जल्दी चल, आज पहले ही दिन लेट हो जाएंगे क्या? अरे क्यों घबरा रही है, वो हमारा ही ऑफिस है यार। जी नहीं, याद नहीं है भैया ने क्या कहा था? और भूल कर भी कुछ ऐसा मत कर देना कि भैया का गुस्सा तुझ पर फूट जाए, तू जानती है ना उनका गुस्सा कैसा है। अब तो उस डेविल को मुझे ऑफिस में अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करना ही होगा। तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। इश्की और मिशा दोनों अब ऑफिस पहुँच गए थे। ऑफिस में आते ही इश्की की नजरें अपने डेविल पति राजवीर सिंघानिया को ढूंढने लगी, लेकिन राजवीर उसे कहीं नजर नहीं आया। ये राजवीर यहाँ भी नहीं है। तू टेंशन मत ले, किसी मीटिंग में होंगे शायद। इश्की और मिशा आसपास में बातें ही कर रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर डेस्क पर बैठे रेहान पर गई। उसे देखते ही मिशा ने कहा, बता दिया ना तूने उसे सब इश्की, अब या तो वो मुझ पर दया दिखाएगा या फिर मुझसे नफरत करेगा। कि तभी रेहान भी वहाँ आ गया और उनके साथ बैठ गया। इश्की और मिशा रेहान को देख रही थी और तभी रेहान ने कुछ ऐसा कहा कि इश्की और मिशा हैरान रह गए और मिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजवीर छिपकर अपने ऑफिस में इश्की को काम करता देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़के पर गई जो इश्की को घूर रहा था। ये देखते ही राजवीर का खून खौल गया। उसने गुस्से में अपने असिस्टेंट समर को बुलाया, अभी के अभी इश्की का डिपार्टमेंट चेंज करो और जिस डिपार्टमेंट में सबसे कम मेल एम्प्लॉयज हो वहाँ शिफ्ट कर दो। लेकिन सर एकदम हम कैसे उनका डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जी सर। कुछ ही देर में इश्की को एक ऑफिस स्टाफ ने बताया कि उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया है, और इश्की को ये अंदाजा भी नहीं था कि जिस डिपार्टमेंट में उसको भेजा जा रहा था वहाँ कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो अपनी शातिर चाल के साथ इश्की की जिंदगी में तूफान लाने को तैयार है। इश्की ने तुरंत राजवीर को कॉल किया। हेलो राजवीर, आपको पता है मेरा डिपार्टमेंट बदल दिया गया है। तो क्या हुआ इश्की, जिस डिपार्टमेंट में तुम्हें ट्रांसफर किया है वहाँ काम कर लो। आप अभी मुझे फिर से पहले वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दीजिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इश्की ने ऐसा कहते ही फोन कट कर दिया, लेकिन राजवीर को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इश्की को कोई और नजर उठाकर भी देखे।
वहीं नए डिपार्टमेंट में आकर इश्की काफी परेशान थी। मिशा के बिना उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी किसी ने इश्की के कंधे पर अपना हाथ रखा और जैसे ही इश्की ने पीछे मुड़कर उसे देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि पीछे खड़ी थी राधिका। वही राधिका जो राजवीर से शादी करना चाहती थी। तुम यहाँ? हाँ, वो मैंने कुछ ही दिनों पहले ये ऑफिस ज्वाइन किया है, लेकिन मिसेस राजवीर सिंघानिया यहाँ एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली यहाँ कोई नहीं जानता है कि राजवीर मेरे हस्बैंड हैं, और तुम भी ये किसी को मत बताना। श्योर, अगर तुम्हें काम में कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, क्योंकि जो रिपोर्ट तुम बना रही हो ना उसमें काफी गलतियाँ हैं। नो थैंक्स राधिका, मैं खुद कर लूंगी। इश्की को राधिका कुछ खास पसंद नहीं थी। वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर राजवीर ने उसे ये क्यों नहीं बताया कि राधिका उसके ऑफिस में काम करने लगी है, और नादान इश्की को अंदाजा भी नहीं था कि ये राधिका उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाली है। इश्की से बात करने के बाद राधिका ने छिपकर किसी को फोन किया। आपने जैसा कहा था, मैंने राजवीर का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, अब आगे क्या करना है? फोन की दूसरी ओर से राधिका को उसकी अगली चाल समझा दी गई, जिसके बाद राधिका ने इश्की की ओर देखा और मन में सोचा, अब राजवीर को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारा वो हश्र होगा इश्की, जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती हो। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद अब इश्की और मिशा अपने घर पहुंच चुके थे। इश्की आज पूरा दिन ऑफिस में बिताकर काफी थक चुकी थी और बेड पर लेट गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब राजवीर वहां गया और उसके साथ लेट गया। राजवीर इश्की को एक टक देख रहा था और फिर उसने इश्की को किस किया, जिसके बाद इश्की भी जाग गई और उसने राजवीर को खुद से दूर कर दिया। क्या हुआ प्रिंसेस? आपको नहीं पता? नहीं। मेरा डिपार्टमेंट क्यों चेंज किया गया है और आपने मेरे कहने के बाद भी कुछ क्यों नहीं किया? ऑफिस की बातें ऑफिस में ही छोड़कर आया करो। राजवीर ने इश्की को अपनी बाहों में कस लिया और इश्की को फिर से किस करने लगा। इस किस के बाद इश्की काफी शर्मा गई और उसने बड़े ही प्यार से राजवीर से कहा, डेविल। अगली सुबह इश्की ऑफिस पहुंचकर अपने काम में बिजी हो गई थी और उसे एहसास भी नहीं था कि राधिका की एक शातिर और खतरनाक चाल उसका इंतजार कर रही है। क्या है राधिका की चाल? क्या इश्की और राजवीर को राधिका कर देगी जुदा? किसके साथ मिलकर राधिका खेल रही है ये खेल? क्या राजवीर को पता चल जाएंगे राधिका के इरादे? ये सब जानने के लिए सुनिए इसका फुल एपिसोड। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको उस फुल एपिसोड में मिलेगा। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइन्स। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।